आज गंगाधर महर जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़ी प्रसन्न होगी, क्योंकि 25 साल के बाद ओडिशा की भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के आधार पर ओडिशा में एक सरकार बनने जा रही है, एक सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, आज मैं बताने आया हूं, मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं अमित भाई हमारे सांसद को आप मिनिस्टर बना देना, स्वाभाविक है। परंतु संबलपुर वालों, मोदी जी ने आपके यहां बना बनाया मिनिस्टर भेज दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को भेजा है। हमारे जितने भी प्रत्याशी यहां पर बैठे हैं, मैं सबकी सीटों का जायजा लेकर कहता हूं, इस बार ओडिशा में ऊपर भी कमल खिलने वाला है और नीचे भी कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब ओडिशा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं, अब 6ठा और 7वां 400 पार का है, आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है, मगर मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है, इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, एक और तो देश को सुरक्षित करने का चुनाव है, देश को समृद्ध करने का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और दूसरी ओर हमारे ओडिशा को समृद्ध करने का चुनाव है। हमारी ओडिया भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इसके सम्मान को फिर से प्रस्तावित करने का चुनाव है, और महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को सम्मान और जीवित रखने का ये चुनाव है। मोदी जी ने हमेशा ओडिया भाषा, संस्कृति, उसका गौरव किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारी ओडिशा की ही गरीब आदिवासी के घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र ओडिशा का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे, दुनिया भर के नेता, इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणा के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ खिंचा। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। भाइयों बहनों, ये ओडिशा की सरकार महान पाइका विद्रोह को, पाइकाओं के स्वतंत्र संग्राम को भुलाने का काम कर रही है। मोदी जी ने पाइका सम्मान में एक सिक्का और डाक टिकट जारी कर पाई का संघर्ष को दुनिया भर में प्रसिद्ध करने का काम किया। ये बीजेडी की सरकार है। मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, आप बाबूशाही ओडिशा पर थोप रहे हो, आपने ओडिया जनता का अपमान किया है। संस्कृति, अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान का गला घोंटने का काम नवीन बाबू कर रहे हैं। मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर
कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कह कर जाता हूं, उत्कल भूमि पर शासन उत्कल भूमि की संतान ही करेगी जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमि पुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन वो ही करेगा जो महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, ये जगन्नाथ जी की संस्कृति और परंपरा को पर्यटन के नाम से समाप्त करने में लगे हैं। हमारे श्री क्षेत्र को कॉमर्शियल सेंटर में बदलना चाहते हैं। मठ मंदिर तोड़े गए, चारों द्वार खुलते नहीं है और जगन्नाथ की रथ यात्रा भी बंद करने की पूरी साजिश हुई थी जगन्नाथ भला करे नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारी रथ यात्रा की परंपरा को अक्षुण रखने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं ओडिशा की जनता को कहने आया हूं, मैं देश भर की सरकारों के कामकाज का विद्यार्थी आदमी, हमारा ओडिशा जो है ये देश भर में सबसे समृद्ध राज्य है और देश भर में सबसे गरीब जनता अगर कहीं है तो वो भी ओडिशा में। ये उत्कल भूमि खनिज संपदा से भरी हुई भूमि है और ये संपदा को लूटने का काम नवीन जी के बाबू कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, यहां से खनिज संपदा नहीं जाएगी, पूरी प्रोडक्शन की चेन कर वैल्यू एडिशन पूरा मेरे ओडिया भाइयों बहनों की भूमि पर रहेगा। भाइयों बहनों, हम ऐसा ओडिशा बनाना चाहते हैं जिसे एक भी युवा को अपनी पत्नी और बूढ़े मां बाप छोड़कर कहीं महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कहीं बेंगलोर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, उसको अपने प्रदेश के अंदर ही काम मिल जाए। ओडिशा का लोकेशन बहुत सुंदर है, एक लंबा कोस्ट लाइन है, खनिज संपदा का अंबार है, मेहनत कश युवा है। एक ही चीज नहीं है, मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं कहता हूं भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम मेहनत करने वाला युवा और जोशीला मुख्यमंत्री देकर ओडिशा को समृद्ध बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए हमेशा बीजू सरकार ने अन्याय किया है। मैं आज कहकर जाता हूं समग्र ओडिशा का सम विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आज भी 27 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। मोदी जी ने जब पानी देना शुरू किया उसके पहले तक सिर्फ 3.5% लोगों के पास पानी था, आज भी 26 लाख परिवारों में पानी नहीं है। आज भी 6,400 गांव सड़क से कटे हुए हैं, 8,000 स्कूल बन गए, बंद हो गए और विकास के पायदान में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उड़ीसा 29वें नंबर पर है। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू की सरकार जो है ना, ये झोलों की सरकार है। ये मोदी जी जो चावल भेजते हैं, 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल भेजते हैं, नवीन बाबू उस पर अपनी फोटो वाला झोला लगाने का काम करते हैं, झोला लगाने का। अरे नवीन बाबू, झोले से गरीब का पेट नहीं भरता, झोले के मूल्य जितना चावल ही ज्यादा दे देते तो हमारे ओडिया भाइयों का सम्मान हो जाता। भाइयों बहनों, रत्न भंडार, आज मैं आप सभी को मेरे भी मन की बात कहता हूं। मैं जहां से आता हूं अहमदाबाद, वहां पर भी महाप्रभु निवास करते हैं,
बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, 135 साल पुरानी रथ यात्रा निकलती है, महाप्रभु के रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई, नकली चाबी बनाई गई, कोई कहता नहीं है रत्न भंडार कितनी बार खुला, रत्न भंडार की जांच की रिपोर्ट को छिपाया गया। मैं आज कहकर जाता हूं आप भाजपा सरकार बना दो, चार चार आने का रत्न भंडार का हिसाब हम एडवर्टाइज कर उत्कल भाइयों बहनों के सामने रखेंगे। पूरे रत्न भंडार का वैल्यूएशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर इसको सार्वजनिक किया जाएगा और हम जांच आयोग की रिपोर्ट को कुछ ही दिन में सार्वजनिक करेंगे। भाइयों बहनों, ये प्रोविडेंट फंड, यहां के जो बीडी कामदार हैं उनके प्रोविडेंट फंड मिसमैच हो गए। आप मेरी बात याद रखिए, यहां एक सरकार है जो सहयोग नहीं कर रही है। आप हमें मदद करें, ऐसी सरकार बना दीजिए 90 दिन में हर तेंदुपत्ता और बीड़ी कामदार के प्रोविडेंट फंड को इसके साथ लिंक करने का काम करेंगे। और मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा 500 बेड का अस्पताल संबलपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, आदिवासियों की जमीन बेचने का काम चल रहा है, मैं कहता हूं पेशा कानून इसका संपूर्ण अमल अगर कोई एक सरकार ने किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम भी पेशा कानून को यहां पर जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, यहां पर संबलपुर में 10 वर्षों में तेल और गैस क्षेत्र में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। बलागिर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगा, झारसुगड़ा में बॉटलिंग प्लांट का एक्सपांशन हुआ, झारसुगड़ा में नया उत्पादन डेपो बना, पारादीप रिफाइनरी 1500 करोड़ रुपया का रेवेन्यू हर साल रहती है, तालचेर का खाद का कारखाना 13,000 करोड़ लगाकर बनाया, 15,000 करोड़ से मेडिकल 1500 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया, संबलपुर में IIM आया, ब्रह्मपुर में IISER आया, भुवनेश्वर में IIT आया, राउरकेला में NIT आया और 600 करोड़ से केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हम यहां पर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं घोषणा कर जाता हूं, हमारे उड़ीसा में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का तो शुरू हो चुका है, परंतु मेडिकल साइंस को भी हम ओडिया भाषा में पढ़ाने की शुरुआत सरकार बनने के बाद करेंगे। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी बात है, ओडिया मीडियम में पढ़े हुए हमारे सारे विद्यार्थी सरलता से डॉक्टर बन सकते हैं। भाइयों बहनों, भाजपा ने एक संकल्प पत्र घोषित किया है, 18 महीने में चीट फंड के सारे दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालकर उनको लौटा दिया जाएगा पैसा। भाइयों बहनों, 3100 रुपया प्रति क्विंटल आपका ध्यान खरीदकर 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर माता बहन को सुभद्रा योजना के तहत 50,000 का नकद वाउचर 2 साल में मिलेगा, 25 लाख लखपति दीदी बनाएंगे, इसके साथ साथ हर मछुआरा को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तेंदुपत्ता में 2 रुपया प्रति केरी और 35% बोनस देने का हम काम करेंगे और बुनकर निधि भी
हर बुनकर को 3,000 की देंगे। 1.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। राउरकेला, संबलपुर, पारादीप और धामरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। भुवनेश्वर, राउरकेला, ब्रह्मपुर और बालेश्वर में आईटी पार्क बनेगा। 15 लाख घरों को गरीबों को घर देंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, जरा जोर से मन से जवाब देना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, जोर से बोलिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, पूरा देश राम उत्सव के अंदर, दुनिया भर के भक्त राम उत्सव में लीन थे। ये ओडिशा की बीजू जनता दल की सरकार राम उत्सव में राम भक्तों को हिस्सा लेने से रोकती थी। मुझे बताओ, जो सरकार राम उत्सव न मना दे दे, उसको वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, नवीन बाबू, आपके बाबुओं ने गलती कर दी है, राम भक्तों को छेड़ा है। ओडिया वासियों, इस बार एक पूरी सरकार बनाकर भाजपा को दीजिए, हम ओडिशा का भविष्य संवारने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। कश्मीर में धारा 370 इतने सालों से लगी थी, जिससे आतंकवाद बढ़ता था। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है, समृद्ध बनाया है और 10 साल तक हर विकास, गरीब के घर में विकास के काम पहुंचाए। आने वाला 25 साल भारत का 25 साल है। मुझे बताओ, ये इंडी अलायंस वाले, ये बीजेडी वाले, अगर कोरोना जैसी महामारी आती है, देश को बचा पाएंगे क्या? जोर से बोलो, बचा पाएंगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचा पाएंगे? ये काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मगर ओडिया वासियों को मेरी दो हाथ जोड़कर विनंती है, बहुत सह लिया नवीन बाबू को, अब नवीन बाबू कुछ नहीं करते हैं, वो बाबू ही, इनके पीछे अफसर ही, बाबू शाही ही ओडिशा को चला रही है। ओडिशा में इस ओडिशा का धरती पुत्र मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बाबूओं से शासन नहीं चलता है। और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, नीचे भी कमल, ऊपर भी कमल, नीचे भी बीजेपी, ऊपर भी बीजेपी, और डबल इंजन सरकार बनानी है। मुझे बताओ भाई, डबल इंजन सरकार बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे? विधायक सांसद दोनों को भारी बहुमत से जिताओगे? ओडिशा में भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, श्री राम, जय जय श्री राम।
मेरे साथ जोर से बोलिए जय जगन्नाथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा को विजयी बनाइए, समृद्ध और स्वाभिमानी ओडिशा बनाइए।